नमस्कार दोस्तों, दिस इज मॉक टेस्ट 3 रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम्स स्टेट स्पेस इक्वेशंस। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ लीनियर सिस्टम इज इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय टू सेट्स ऑफ स्टेट इक्वेशंस। एक है आपका x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और एक है w इज इक्वल टू सी डब्ल्यू प्लस डी यू। आइगन वैल्यूज ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस आर ऑल्सो कंप्यूटेड। ये आइगन वैल्यूज हैं जिनको लेमडा और म्यू से डिनोट किया गया है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। देखिए, आइगन वैल्यूज अगर हम बताएं, जो आपकी ये आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा एंड आइगन वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ W, that means इस A की वैल्यू एंड इस W की वैल्यू। ओके, दिस इज म्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिस्टम जो होता है, दीज आर ऑलवेज यूनिक। आइगन वैल्यूज को मैं ईवी से रिप्रेजेंट करती हूँ। आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिस्टम आर ऑलवेज यूनिक, आर ऑलवेज यूनिक, यूनिक होती हैं ये। इसीलिए जो आपकी ये वैल्यूज हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू मी। बट अ सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्टेट मॉडल्स। जैसे डिफरेंट, कोई भी सिस्टम को आप डिफरेंट स्टेट मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। तो अगर x इज इक्वल टू w है, तो x नॉट इक्वल टू w है, दीज आर द पॉसिबल कंडीशंस। तो ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, ये भी और ये भी। दैट मीन्स कोई भी सिस्टम जो होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्पेस मॉडल्स, सॉरी डिफरेंट स्टेट मॉडल्स, एंड दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। एस वी मतलब स्टेट वेरिएबल्स। तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पता है हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जब भी बोलता है, तो आपको याद कर लीजिए, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू फाई टी एंड दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए ऑफ होल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो हम निकालेंगे एस एस जीरो जीरो, दिस इज एस आई हो गया, एंड माइनस ए कितना है आपका, जीरो वन माइनस वन जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन और ये हो जाएगा s। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एस आई माइनस ए का होल इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है हमें, एस आई माइनस ए का होल इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या पता है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a, यही होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर माइनस माइनस वन तो प्लस वन, और यहाँ पे जब आप इनवर्स निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो एस एस हो गया और यहाँ पे प्लस वन माइनस वन। अब आप देखिए, इसमें आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन, आप इसको लिखिए, ये हो जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसमें देखिए, इसका हमें क्या निकालना है, हमें अब l इनवर्स निकालना है। l इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही होगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वॉट, दिस इज cos t। वन बाय, अगर मैं बोलूँ a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो क्या होता है, sin t होता है ना, चेक कीजिएगा, sin t, अगेन यहाँ पे माइनस sin t, और यहाँ पे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपका ये आंसर आएगा। तो आपका आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर डायनेमिक्स इज गिवन बाय। देखिए, ये मैट्रिक्स है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हमें निकालना है ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द मोटर, आई ए इज द आर्मेचर करंट, यू इज द आर्मेचर वोल्टेज, हमें ये ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सीधी सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं d omega by dt, and this is equal to what, this is equal to, मैं इसको अगर minus 1 into omega plus 1 into ia करूँगी, तो ये होगा minus omega plus ia। ठीक है,
फिर आप करोगे डी आई ए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस टेन आई, यही होगा। अब आप इसमें देखिए प्लस टेन आई एंड प्लस टेन यू, ये भी तो आएगा जब आप मैट्रिक्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ इक्वेशन वन एंड टू। इस केस में आप देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एस ऑफ ओमेगा एस, ठीक है, एस ऑफ ओमेगा एस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ एस एंड प्लस आई ए ऑफ एस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी एस प्लस वन ऑफ ओमेगा एस एंड दिस इज वॉट आई ए ऑफ एस। तो अब आप इसका देखिए, सेकेंड इक्वेशन का देखिए, एस ऑफ आई ए एस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज माइनस ओमेगा एस प्लस टेन ऑफ आई ए एस एंड प्लस टेन ऑफ यू एस, यही होगा। अब आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे आप, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एस, ओमेगा एस को अगर आपको निकालना है तो ओमेगा एस मैंने साइड में लिख लिया, दिस ओमेगा एस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज माइनस, एक मिनट, ये जो है आपका, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि देखिए ये है ना आई ए एस बाई एस प्लस वन, हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो ये कुछ माइनस टेन, लेकिन टेन आई ए एस, कहीं कुछ गलती हो रही है, ये एक मिनट, ये माइनस ओमेगा एस होगा और तो कहीं प्लस टेन आई ए एस, नहीं नहीं एक मिनट, माइनस ओमेगा एंड माइनस टेन आई, ये माइनस साइन है, दिस इज माइनस साइन, दैट्स वाई इट वॉज माइनस, ये माइनस हो गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एस माइनस टेन ऑफ आई ए एस लिख सकती हूँ, उसके बाद प्लस 10 ऑफ यू एस लिख सकती हूँ, फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, सो दिस विल बी अगेन वॉट, दिस विल बी, अब आई ए एस की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, एस प्लस वन ऑफ ओमेगा एस, फर्स्ट इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, अब यहाँ पे मैं इस ओमेगा एस को लिख सकती हूँ माइनस एस माइनस 10, और आई ए एस की वैल्यू क्या हो गई, एस प्लस वन ऑफ ओमेगा एस, ठीक है, एंड प्लस टेन ऑफ यू एस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टेन एस माइनस टेन ऑफ ओमेगा एस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टेन ऑफ यू एस। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस इलेवन एस माइनस टेन, दिस इज ऑफ ओमेगा एस एंड दिस इज ऑफ प्लस टेन यू एस हो जाएगा। अब जब आप इसको फिर अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आप इस साइड ले जाइए, ओके, तो जब आप इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस इलेवन एस प्लस टेन, सॉरी यहाँ पे ये क्योंकि ओमेगा एस है तो ऐड हो जाएंगे, ओमेगा एस इज इक्वल टू टेन यू एस। नाउ ट्रांसफर फंक्शन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, ओमेगा एस बाई यू एस दिस इज इक्वल टू 10 by s square plus 11s plus 11, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिस विल बी ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फोर्थ क्वेश्चन, ये इसके इससे इस फिगर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं। द स्टेट डायग्राम ऑफ ए सिस्टम इज शोन बिलो इज डिस्क्राइब बाय स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस, ये दिया है, ये दो इक्वेशंस दिए, ये आपका एक तरह से फ्लो सिग्नल फ्लो डायग्राम दिया है। तो हमें क्या निकालना है, द स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम इन द फिगर इज। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको हम लेबल कर देते हैं, जैसे इस पॉइंट पे मैंने इसको लिख लिया ये x1 हो गया, इस पॉइंट पे मैंने लिख लिया कि ये डॉट x1 हो गया, इस पॉइंट पे मैंने लिख दिया कि ये x2 हो गया, ये हो गया डॉट x2, ओके। अब यहाँ से ये माइनस, ये तो सब जा ही रहा है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं डॉट एक्स वन इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द सिग्नल फ्लो डायग्राम माइनस एक्स वन, यहाँ से ये माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स वन एंड ये यहाँ पे माइनस यू हो जाएगा, डॉट एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन माइनस यू, फिर डॉट एक्स टू निकालेंगे, दिस डॉट एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू, एक्स टू हो जाएगा ये इसी x2 minus of x2 and plus dot x1, इसी सीधी लाइन में हो जाएगा plus dot x1, ठीक है। तो मैं इसको और ऐसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि minus of x2
माइनस एक्स वन माइनस यू, ठीक है। अब ये जो डॉट एक्स टू है, दिस इज इक्वल टू वॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस यू, ये हो जाएगा। अब आप देखिए जो ये y है, दिस y इज इक्वल टू, अभी हम केवल फॉरवर्ड पाथ का देख रहे हैं, दिस y इज डायरेक्टली इक्वल टू डॉट एक्स टू, ये हो गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डॉट एक्स टू की वैल्यू लिखो, ये कितना हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड प्लस यू। अब आप इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा, डॉट एक्स वन डॉट एक्स टू, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आप निकालिए, डॉट एक्स वन की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी है, माइनस वन है ना, तो ये हो जाएगी इधर माइनस वन और अगेन माइनस वन हो गई, और इस यहाँ पे ये जीरो हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में आप देखिए माइनस ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वन, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स वन एक्स टू, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ, इधर देखिए ये माइनस माइनस यू है ना, मैं इसको मार्कर चेंज करके बताती हूँ, देखिए ये माइनस यू है और ये प्लस यू है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस ऑफ माइनस वन वन ऑफ यू। तो आप हो गया ना, डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इस फॉर्म में आ गया ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दैट इज आप लिख सकते हो डॉट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज माइनस वन वन जीरो माइनस वन एंड दिस इज एक्स एंड प्लस माइनस वन वन ऑफ यू, समझ में आ गया। तो आपका ये इसका जो राइट आंसर होगा, जो स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस होगी उसका आंसर होगा आपका, कौन सा होगा, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस यू है, वाई की वैल्यू देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस यू है, दैट मीन्स ये वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए अगर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर देखा जाए तो इसका ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखिए ये मैच कर रहा है, वाई भी देखिए वन माइनस वन एक्स प्लस यू है, और तो कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ई टू द पावर ए टी ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो इज, देखिए अब आपने ए निकाल लिया, तो ए कितना था, ए वॉज माइनस वन वन जीरो माइनस वन, यही था ना, यही था ना, ये अगर मैं देखूँ इसका तो ये यही है, यही तो है ए, सो माइनस वन वन जीरो माइनस वन। उसके बाद अब आप निकालिए एस आई माइनस ए, अब आप निकालेंगे एस आई माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू एस एस जीरो, दिस इज एंड माइनस ए, ये जो हो जाएगी ये वैल्यू माइनस वन वन जीरो माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसका इन्वर्स निकालिए, एस आई माइनस ए का होल इन्वर्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकालिए, ये वैल्यू हो जाएगी एस प्लस वन, ये जीरो, ये माइनस वन और ये एस प्लस वन, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके यही होगा ना। अब आप इसमें ज़रा इन्वर्स निकालना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि ये कैसा हो जाएगा, एस प्लस वन जीरो एंड प्लस वन, ओके यही होगा ना, यस एंड दिस इज वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, यही होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, ये कितना आएगा, वन बाय एस प्लस वन जीरो, वन बाय एस प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज अगेन वन बाय एस प्लस वन। अब जरा आप इसका एल इनवर्स निकालिए, दैट मीन्स इसका जो एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स होगा वो कितना आ जाएगा बताइए, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी वन बाय एस वन, एस प्लस वन इज ई माइनस टी, दिस इज जीरो, वन बाय एस प्लस वन का होल स्क्वायर इज टी ई टू द पावर माइनस टी, यस एंड दिस इज ई माइनस टी, यही हो गया ना। अब आप देखिए यानी कि जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है फाइ टी है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई टू द पावर ए टी एंड दिस इज फाइ टी, यही आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके करीब 5 क्वेश्चंस थे, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। टिल देन कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, टिल देन मैं इसको क्या बोलूँ, गुड बाय, ओके।